हेलो जी नमस्ते गुड मॉर्निंग सुपर भात तो भाई सुबह के सात बज रहे हैं तो नए भी और पुराने भी जो भी, भी वर्ष हैं मेरे सारे आ जाओ पकौड़े खाएंगे भाई बैठ के मिल के चाय के साथ तो भाई ये देखिए मैं लच्छेदार पकौड़े बना रही हूँ आज प्याज को लंबा काट के उसके लच्छे बना लिए थे और आलू को कर लिया था कद्दूकस और धो लिया था हरी मिर्च वगैरह गरम मसाला और ये सब कुछ मैंने इसमें मिक्स करके और फिर इसमें पकोड़े छोड़ दिए हैं भाई ये आलू के और प्याज के जो कि बहुत टेस्टी बने हैं भाई आप भी एक बार बना के देखना बहुत अच्छे बनते हैं तो सबसे अच्छे तो यही पकोड़े हैं भाई आलू के अगर बनाओ ना आलू प्याज के तो ऐसे ही सबसे अच्छे और टेस्टी बनते हैं और टाइम भी बहुत कम लेते हैं भाई झटपट से झटपट से बनने वाले हैं <laughs> तो ये हमारे पकोड़े बन चुके थे तो ये मैं ईशांत के लिए डाल रही हूँ भाई प्लेट में ईशांत खाएगा सॉस के साथ ईशांत चाय नहीं लेगा तो ग्रीन सॉस लेगा वो ग्रीन चिल्ली वाली और ये वाली सॉस तो ये खाएगा इससे और मैं और ईशांत के पापा खाएंगे भाई चाय के साथ गर्मा गर्म तो वही है भाई ये मौसम ऐसा ही है इसमें ये नहीं पता कब गर्मी लग जाए कब सर्दी लग जाए <laughs> तो वही है कपड़े नहीं हम डालते अगर ज़्यादा डाल लेते हैं तो गर्मी लगती है कम डाल लो तो फिर ठंड लगती है तो इसी चक्कर में ना उथल फुथल के चक्कर में तो मुझे ठंड लग चुकी है तो ये अब मुझको कई दिन तक परेशान करेगी ये ठंड <laughs> तो भाई चलो फिर ईशांत के पापा के लिए भी डाल देते हैं भाई पकोड़े जब तक ये खाएंगे या नहीं खाएंगे देखते हैं और ईशांत की वैन आ चुकी है ईशांत जा चुका है भाई तो ईशांत आज दस बजे आ जाएगा उसने अपने पापा को बोल दिया है कि मुझे दस बजे लेने आ जाना क्योंकि उसका दस बजे पेपर हो जाता है तो वैसे तो दो बजे होती है उनकी छुट्टी पर उसने बोल दिया भी ऐसे आ सकते हैं तो आप लेने आ जाना तो वो लेने जाएंगे ईशांत को और उधर से ही अपने स्कूल में लेके चले जाएंगे ईशांत को तो ईशांत घर तो साढ़े तीन बजे ही आएगा आज क्योंकि इनकी छुट्टी साढ़े तीन बजे होती है तो साढ़े तीन ही ईशांत आएगा ईशांत को मतलब काफ़ी दिन हो गए थे अपने पापा के स्कूल नहीं गया था तो उसका काफ़ी मन कर रहा था स्कूल में जाने का तो आज चला ही जाएगा उनके स्कूल तो भई पकोड़े बन चुके थे और ये मैं अपनी चाय लेके आ गई और वो भी अपनी चाय लेके बैठे हैं और पकोड़े हैं। तो आइए और आप भी खाइए हमारे साथ इंजॉय करिए पकोड़े हेलो जी नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात और कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खूब अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे तो ईशांत और उस के पापा को भेज दिया भाई स्कूल काफ़ी टाइम हो गया अब तो सवा ग्यारह हो गया है और ईशांत ना मतलब उसका पेपर जो एक टेस्ट चल रहे हैं पेपर जो भी है तो वो दस बजे ख़त्म हो जाते हैं तो ईशांत ने ना आज अपने पापा को अपने स्कूल में बुला लिया है और वो उधर से ही अपने पापा के स्कूल चला जाएगा भाई ईशांत भी, भी साढ़े तीन बजे आएगा आज तो उनको भेजने के बाद ना मैं फिर से ही रजाई में आके पड़ गई भाई मेरे को ना फीवर हो रहा है दो दिन से तो कल मैंने टेस्ट भी करवा लिए हैं तो टेस्ट में कुछ नहीं आया नॉर्मल ही बुखार है बस तो अब देखती हूँ मैं कुछ काम करूँ सा वगैरह हो गए हैं काम करने से पहले ना नहाँगी नहा के ना थोड़ा ठीक सा फील होता है या तो अच्छे से फिर बीमार होंगी या फिर ठीक होंगी दो काम हो सकते हैं नहा के ना या तो अच्छे से ठीक ही होंगी या फिर बीमार होंगी भाई है ना तो मुझे बाल भी धोने हैं अब सबसे पहले मैं जाती हूँ नहाने फिर उसके बाद आप सभी को मिलती हूँ बाकी जो मेरा काम बचता है काम तो अभी सारा वैसे ही पड़ा है तो काम मैंने अभी कुछ नहीं किया और जो कपड़े वगैरह हैं उनको मैं बस आज क्या दिन है शनिवार है नहीं शुक्रवार है नहीं, हाँ शनिवार को भी नहीं तो मैं कपड़े धूंगी भाई संडे को ही दूंगी बस अब तो कपड़े क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझसे कोई काम होएगा फालतू का तो मशीन लगा के संडे को ही धोएंगे कपड़े और अब देखती हूँ मैं पानी गरम चला के आती हूँ फिर नहा के फिर और काम करें